नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सारे ओल मसाले लाया हूँ। ओल आपके लिए ये जड़ी बूटी में सब मिल जाएगा, मसाले सब मिल जाएगा आपको। मसाले में जो सिगरेट मसाले होते हैं, फाइव स्टार होटल वगैरह में जो सिगरेट मसाले यूज करे जाते हैं, ढाबे वगैरह में जो सिगरेट मसाले यूज करे जाते हैं भाई, उसका आज मैं राज खोलने वाला हूँ। ठीक है भाई, क्या क्या, क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता, सब चीज का बेनिफिट बताऊंगा, सब चीज का लाभ बताऊंगा, क्या हल्का होता है, क्या भारी होता है, सब चीज के बारे में बताने वाला हूँ आज आपको। ठीक है, एक जावित्री मेरे पास ये भी होती है। ठीक है, ये जावित्री बोला जाता है। हाँ। ये लेकिन हल्की क्वालिटी की मानी जाती है। ठीक है, अच्छा। जो प्योर क्वालिटी की मानी जाती है ये बोला जाता है, बादियान फूल, केसर फूल बोला जाता है। ठीक है सर जी, इसका खुशबू भी देखिएगा, खुशबू भी लाजवाब होगा, और इसको केसर फूल भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए सर, ये केसर फूल, हाँ ओरिजिनल जावित्री बोला जाएगा, केसर फूल बोला जाता है। ठीक है सर, अच्छा, प्योर होता है ये। ठीक है, ये मार्केट में आपको मिलने वाला है 3600-4000 के आसपास में, लेकिन मेरे पास आते हो सर जी आपको 2400 के आसपास में मिल जाएगा। और इसको पेंसिल वाली दालचीनी बोली जाती है, अफगानिस्तान में पाया जाता है ज्यादा करिए, केरला साइड में ही पाया जाता है ये पेंसिल वाली। इसमें भी जायका बदल जाता है सर जी, मसाले में हल्का सा कतरा बट डाल दो, काफी स्वाद आ जाएगा आपका। भैया प्राइस और बता दे रही हमारे दर्शकों को, ये मार्केट में आपको 800-900 रुपए के आसपास में मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास आते हो सर जी आपको 600 रुपए किलो में मिलने वाला है। इसको दखनी मिर्च बोलते हैं, ये आंखों की रोशनी के लिए भी सबसे बेस्ट जाती है, सुबह शाम एक दाना खा लो काफी होता है। ठीक है सर जी, ये देखिए लड्डू वगैरह में भी डाला जाता है। मार्केट में आपको मिलने वाला कम से कम 1600-2400 के आसपास में, लेकिन मेरे पास लेते हो केवल आपको 1200 रुपए किलो में मिलने वाला है। क्या बात, ठीक है सर जी, इसको दखनी मिर्च बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं पीलीकोटी मिठाई पुल में, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे मसाले, 72 से ज्यादा तरीके होंगे। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल काफी मसाले में बहुत वेरिएंट आता है, उतना मेरे पास भी नहीं होता, लेकिन जितना वेरिएंट होता है ना, आधा वेरिएंट तो होता है मेरे पास। ठीक है, मसाले में काफी होते हैं, 110-120 काफी प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ओके, तो आज सारा राज खुलने वाला है सीक्रेट मसालों का। भाई सारे सीक्रेट मसाले का राज खोल दूंगा, और क्या आपके घर वगैरह में जो ज्यादा यूज होती है उस सबकी जानकारी मैं देने वाला हूँ आज। क्या बात है, तो भैया चालू कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से मसाले आपके पास है। पहले भाई साहब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिगरेट मसाले का राज खोलने वाले पहले हम। ठीक है, हाँ, जो ढाबे वगैरह में, फाइव स्टार होटल वगैरह में जो मसाले यूज होते हैं, हाँ। पहले मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, क्या बात है, बिल्कुल देखो सर जी, अपना पहले ये हो गया खसखस, अच्छा अफीम दाना भी बोला जाता है। ठीक है, अफीम दाना भी बोला जाता है, अफीम दाने से काफी नाम इसका चलते में, अच्छा। ये इसको बोलते केसर फूल, बादियान फूल बोला जाता है। थोड़ा खोल के दिखा देंगे हमारे दर्शकों को, सब खोल के दिखलाऊंगा सर, पहले नाम बता दूं मैं आपको। ठीक है, छोटी इलायची हो गई, ओके, पेल्सिन वाली दालचीनी हो गई, अफगानिस्तान वाली, क्या बात है, दखनी मिर्च हो गया सर, दखनी मिर्च बोलते हैं, नाम ही पहली बार सुना है मैंने तो, केसर हो गया सर, हाँ ये हो गया आपका सिगरेट मसाला। और सिगरेट मसाले में क्या क्या होता है, क्या कैसे डाला जाता है, ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है सर जी, हाँ। जो होटल वगैरह में होते हैं वो लोकल मसाला यूज नहीं करते, ये एक जावित्री मेरे पास ये भी होती है। ठीक है, ये जावित्री बोला जाता है, हाँ। ये लेकिन हल्की क्वालिटी की मानी जाती है। ठीक है, अच्छा। जो प्योर क्वालिटी की मानी जाती है ये बोला जाता है, बादियान फूल, केसर फूल बोला जाता है। ठीक है सर जी, इसका खुशबू भी देखिएगा, खुशबू भी लाजवाब होगा, और इसको केसर फूल भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए सर, ये केसर फूल, हाँ असली जावित्री, ओरिजिनल जावित्री बोला जाएगा, केसर फूल बोला जाता है। ठीक है सर, अच्छा, प्योर होता है ये। ठीक है, ये मार्केट में आपको मिलने वाला है 3600-4000 के आसपास में, लेकिन मेरे पास आते हो सर जी आपको 2400 के आसपास में मिल जाएगा। क्या बात है भैया, एक बार हमारे दर्शकों को वापस बता देंगे एक बार, ये जावित्री और आपने जो पहली वाली जावित्री बताई थी उसके बारे में। ये तो आपका नकली होते, काफी बंदों को पता नहीं रहता ये ओरिजिनल जावित्री क्या है क्या नहीं है, जो ओरिजिनल जावित्री होता है वो ये होता है, केसर फूल बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, हाँ ये देख लो, ये देखिए, ये है ओरिजिनल जावित्री केसर फूल, और ये है लोकल जावित्री। ये मसाले में डालने का मसाले का जायका जो होता है ना सर, पूरा जायका ही बदल जाता है। ठीक है, क्या बात, जायका बदल जाता है। ठीक है, और इसको पेंसिल वाली दालचीनी बोली जाती है, अफगानिस्तान में पाया जाता है ज्यादा करिए, केरला साइड में ही पाया जाता है ये पेंसिल वाली। इसमें भी जायका बदल जाता है सर जी, मसाले में हल्का सा कतरा बट डाल दो, काफी स्वाद आ जाएगा आपका। भैया प्राइस और बता दे रही हमारे दर्शकों को, ये मार्केट में आपको 800-900 रुपए के आसपास में मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास आते हो सर जी आपको 600 रुपए किलो में मिलने वाला है। क्या बात है, डिफरेंट देख लो सर जी, आपके तरफ से कोई आता है तो ये आपको रेट मिलने वाला है। डेफिनेटली मैं एक बार प्रोमो कोड दे दूंगा और मेरे रेफरेंस दे दूंगा, डोंट वरी, घबराइए मत, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारे मसाले सारे राज आपके साथ शेयर करेंगे, सारे राज खुलने वाले मसालों के। और सर जी ये अफीम दाना आ गया आपका, जिसे बोला जाता है खसखस दाना, अच्छा, जो शायद कहते हैं बैक पेन और इसके लिए बहुत काफी जिम वाले बंदों के लिए भी काफी लाभ फूल है ये, हाँ। हर चीज में आपका यूज होता है, ड्राई फ्रूट में यूज होता है, लड्डू में यूज होता है, मसाले में यूज होता है, जोड़ों के कमर के दर्द वगैरह में भी यूज होता है। थोड़ा दिखा देंगे हमारे दर्शकों को, बिल्कुल सर, क्या बात है, देखो ये भैया ने डाला, ये देखिए परात में, ये देखिए, इसमें और प्रकार के भी पाए जाते हैं, काफी कमेंट आने वाले भाई, मेरे इधर 1600-2400 रुपए के आसपास में मिलता है, लेकिन वो प्योर नहीं माना जाता, प्योर की पहचान जो होती है ना वो ये होती है, एक बार देख लो आप,
एक बार हाथ में लेके दिखा देंगे। ये देख सकते हो सर, बारीक दाने बिल्कुल, इसमें काफी मुर्गी दाना काफी तरीके का पाया जाता है, लेकिन मेरे पास जो है प्योर मिलेगा आपको, ठीक है। सूजी की शेप में दाना मिलेगा, वो हल्का होता है। अच्छा, ये जो है आपका ये प्योर में है। अच्छा, ये मार्केट में आपको कम से कम भी नहीं तो 2400-2600 के आसपास में मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास आते हो केवल 1600 रुपए के आसपास में मिलने वाला है। क्या बात है, देख लो सर जी कितना वो है डिफरेंट देख लो सर, और क्या क्वालिटी भी एवन रखता हूँ मैं। और ये छोटी इलायची देख लो, ये 8 mm की छोटी इलायची मानी जाती है सर जी इसको, ठीक है। ये 8 mm आप कहीं भी मार्केट में लेते हो 2400-2600 के ये भी मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास आता है केवल 1800 रुपए के आसपास में मिलने वाला है आपको। पूरा पैकेट कितने ग्राम का है? ये 1 kg का पैकेट है। अच्छा, बाकी इसमें और भी क्वालिटी आते हैं, दाना फटा हुआ भी आता है, उसकी प्राइस गिर जाते हैं। जो हलवे वगैरह में यूज जो करते हैं ना, मिठाई वगैरह वाले ले जाते हैं, आइसक्रीम वाले, वो मुंह फटे हुए ले जाते हैं। अच्छा, कम रेट का पड़ जाता है, लेकिन जो ये है ये फर्स्ट क्वालिटी की मानी जाती है, 8 mm बोला जाता है इसको, ठीक है सर जी। ठीक है, ठीक। और ये दखनी मिर्च माना जाता है, इसको दखनी मिर्च बोलते हैं। ये आंखों की रोशनी के लिए भी सबसे बेस्ट जाती है, सुबह शाम एक दाना खा लो काफी होता है, ठीक है सर जी। ये देखिए, हाँ, लड्डू वगैरह में भी डाला जाता है, ठीक है। कंजम्पशन कैसे करना है? ये सर जी मसाले वगैरह में भी यूज करा जाता है, ये खाया ऐसा जाता है कि सुबह आपको सुबह उठते के साथ में 2-4 दाने चबा लिए काफी अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, आंखों की रोशनी के लिए सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं। क्या बात, ठीक है। इसका प्राइस बता देंगे? ये मार्केट में आपको मिलने वाला कम से कम 1600-2400 के आसपास में, लेकिन मेरे पास लेते हो केवल आपको 1200 रुपए किलो में मिलने वाला है। क्या बात, ठीक है सर जी। इसको दखनी मिर्च बोला जाता है। क्या बात, और जीरा देख लो सर जी, जीरा अभी जीरा का रेट तो अभी बढ़ती में है। जीरा, ठीक है, जीरा ये प्योर जीरा है, ये प्योर जीरा है। हाँ, प्योर जीरा। क्या क्या प्राइस एक बार बता देंगे? जीरा आपको कम से कम अभी का रेट, हाँ अभी का रेट जनवरी का रेट देख लो सर जी, मार्केट में अभी मिलने वाला आपको 450-450 के आसपास में मिलने वाला, लेकिन मेरे पास कोई भाई बंधु आता है तो आपके थ्रू 300 रुपए किलो में मिलने वाला। क्या बात है, ठीक है। और उसके बाद ये सर जी लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग, अच्छा ये लॉन्ग बोला जाता है सर जी, ये मार्केट में मिलने वाला 800-900 रुपए के आसपास में, लेकिन मेरे पास कोई आता है 750 रुपए किलो में मिलने वाला है, ठीक है। ये हायर क्वालिटी है सारी अपने पास? हाई क्वालिटी रखता हूँ सर जी, लो क्वालिटी कुछ भी नहीं रखता, जो लो क्वालिटी रखता हूँ मैं पहले कस्टमर को बता देता हूँ, थोड़ा पैसा खर्च कर लो, बढ़िया चीज ले लो। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताते रहिए इसके बारे में। सर जी मैं आपको नाम बता देता हूँ, इतना तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, सबका प्राइस और सबकी जानकारी बता देता हूँ, बिल्कुल। बाकी मैं बता देता हूँ क्या 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 होता है। हाँ। ये जीरा होता है, लौंग, बड़ी इलायची, ये आपका जयवित्री प्योर वाली दिखलाई थी मैंने। हाँ। ये पीपल सर्दी जुकाम खांसी बुखार में भी काम आता है। अच्छा। शाही जीरा बिरयानी पुलाव वगैरह में भी काम आता है। बादियान फूल, स्टार फूल भी बोला जाता है इसको, ठीक है सर। एक मिनट, एक बात बीच में मैं टोकूंगा। हाँ, इस जीरा और आपने शाही जीरा बताया, नहीं ये सर जी ये शाही जीरा जो होता है ना, ये शाही बंदों के लिए। अच्छा, शाही बंदों के लिए ये बिरयानी पुलाव मटर पुलाव वगैरह में डाली जाती है, और ये नॉर्मल दाल वाली में छोक के लिए डाली जाती है। क्या बात है, और ये देख लो सर जी मोटी वाली इलायची भी मिल जाएगी आपको, बड़ी इलायची में मोटे साइज में भी मिल जाएगा। ये मार्केट में आपको कम से कम 1400-1600 के आसपास में मिलने वाला है, मेरे पास लेते हैं केवल आपको 1200 रुपए किलो में लगने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। और सर जी शादी ब्याह का सीजन चलने वाला है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, कोई भाई बंधु मेरे आपकी वीडियो देख के आता है उसको लेस करेंगे, 10-20% लेस कर देंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं मसाले होते हैं बिल्कुल वाजिब रेट पे लग जाएगा, चीज की क्वालिटी एकदम लाजवाब मिलने वाली है आपको, ठीक है सर। क्या बात है। और सर जी ये काली मिर्च होती है, काली मिर्च देख सकते हो, ये काली मिर्च मार्केट में लेते हो अभी 600-650 के आसपास में मिलने वाली है, लेकिन मेरे पास 500 रुपए किलो में मिलेगा। अरे वाह, ठीक है। और ये सर जी कबाब चीनी बोली जाती है, कबाब बिरयानी वगैरह में डाली जाती है, ये मोटी काली मिर्च है? नहीं, कबाब चीनी बोली जाती है। अच्छा, कबाब चीनी कहते हैं, कबाब चीनी बोली जाती है इसको। अच्छा, ये दालचीनी बोली जाती है, ये सौंफ हो गया, ये मेथी दाना हो गया, ये अजवाइन हो गया, ये सौंठ हो गया। और एक बार इनका थोड़ा प्राइस का बता देंगे? ये सर जी दालचीनी आपको मार्केट में 600-650 मिलने वाली है, ये अफगानिस्तान वाली दालचीनी अलग होती है, ओके, ये नॉर्मल अलग होती है। दोनों डिफरेंस क्या है? जायका बदल देता सर, जायका का डिफरेंट है, इसमें जायका ज्यादा ही है, ठीक है। और ये है कि इसको इतना डालोगे सर जी, ये एक डालोगे, ओके, ठीक है, इतना डिफरेंट है, टेस्ट का फर्क, टेस्ट का फर्क आ जाएगा। और ये सर जी आपको मार्केट में 600-650 मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास आता है तो कोई 400 रुपए किलो में मिलने वाला है, ठीक है सर। और बाकी आपका सिगरेट मसाले में तो ये भी डाला जाता है, सीड्स वगैरह होती है ना। हाँ। ग्रेवी वगैरह में डाली जाती है, ग्रेवी भी सर जी, ग्रेवी से ही तो सब जायका बदलता है, ठीक है। ग्रेवी जितनी अच्छी बनाओगे उतना ज्यादा सब्जी में टेस्ट आने वाला है, ठीक है। सब ग्रेवी जो बनती है मसालों से बनती है। हाँ। ग्रेवी जो मोटी होती है ये अपनी मगज वगैरह सीड्स वगैरह से होती है। थोड़ा हमारे दर्शकों को इनके बारे में बता देंगे, मगज के बारे में? ये सर जी देख लो, ये हड्डी वगैरह में भी काम में आती है, ये ज्यादातर ये यूज होती है ग्रेवी वगैरह में, ठीक है। हाँ, और ये एक बार इनके बारे में बता दे, लड्डू वगैरह में डाली जाती है सर जी, ये सीड्स, ये सनफ्लावर है। अच्छा, सनफ्लावर है, ये कौन सी सीड है? ये सर जी खरबूज की मींगे बोली जाती है इसको, और ये कद्दू की बोले जाते हैं, पैठा की, ये अलसी की बीज बोले जाते हैं, ये आपके तिल के बीज बोले जाते हैं। और जर सर जी ये देख लो, जो खसखस ओरिजिनल दिखलाया था ये लोकल में देख लो कितना डिफरेंट है। अच्छा, पाउडर ही है? कुछ नहीं है,
खत्म है। तो थोड़े थोड़े इनके बेनिफिट्स और बताते चलिए एक बार हमारे दर्शकों को। ये सर जी आपका देख लो, ये लड्डू वगैरह में भी काम में आती है, ये भी लड्डू वगैरह में काम में आती है, ये सूरजमुखी जोड़ों के लिए कैल्शियम के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, ये भी आपकी कैल्शियम के में बहुत बढ़िया मानी जाती है। एम्स वगैरह अस्पतालों में सुबह सुबह नाश्ते के तौर पे दिया जाता है, ठीक है सर? ये एम्स में दिया जाता है नाश्ते के तौर पे दिया जाता है। ये हड्डियों के लिए होती है, इसमें भी कैल्शियम काफी होती है। तिल वगैरह का तो लड्डू बनता है सर जी, अभी लड्डू का सीजन चल रहा है तो लड्डू बनेगा इसका। और प्राइस और बताते चलेंगे एक बार यहाँ से। सर जी ये आपको मार्केट में मिलने वाला 600-650, मेरे पास 400 रुपए किलो में मिलेगा, ये आपको 500 रुपए किलो में मिलेगा, 400 रुपए किलो में मिलेगा, ये आपको मिलने वाला 550 रुपए किलो में मिलने वाला, अलसी के भी 100 रुपए किलो में मिलने वाले हैं। दोस्तों आपका ये वीडियो काफी लॉन्ग बनने वाला है, इस वीडियो को आप खत्म करते हैं। और ये सर जी मेरा कार्ड है, किसी भाई बंधु को मेरे शॉप तक पहुंचना हो तो ये मेरा कार्ड है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भाई के थ्रू कोई आता है तो अलग ही डिस्काउंट मिलने वाला है उस भाई को, ठीक है? तो इस वीडियो को खत्म करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है भाई को। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा भाई ने बताया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम में। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में।